इधर देख लीजिए शंख भी बनाया गया है, को अच्छे से दिखा देते हैं। और संपूर्ण अयोध्या का विकास देख करके एकदम हृदय गदगद है। जैसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जय श्री राम दोस्तों, शिवा अयोध्या वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम आए हैं आपको लेकर गुरु वशिष्ठ चौराहा के पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राम पथ मार्ग है और आपको दिखाएंगे यहाँ पे छोटे छोटे गार्डन बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा गार्डन बनाया गया है, और ये देखिए बीच में कितना अच्छा डिजाइन बनाया गया है। तो दोस्तों आपको ले चलकर दिखाएंगे फ्लाई ओवर के नीचे भी गार्डन बनाया गया है अयोध्या नगरी में। तो हमारे वीडियो में आप शुरू से आखिरी तक बने रहिए, तो चलते हैं आपको दिखाने। तो दोस्तों ये राम मंदिर जाता है सीधा, और इस साइड शहादतगंज जाता है, पूरा राम पथ मार्ग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बीच में लोहे के कुछ बनाया गया है, हमको नहीं पता है, आपको पता हो तो कमेंट कर बताएं। और आपको ले चल कर दिखा रहे हैं सामने फ्लाई ओवर के नीचे कितना सुंदर गार्डन बनाया गया है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं फ्लाई ओवर है, अब बगल में कार पार्किंग बनाई गई है दोनों बगल में, ये देख लीजिए यहाँ पर। और इसमें श्री राम जी का पेंटिंग भी बनाया गया है। तो आपको ले चलकर अब सीधा दिखाते हैं आगे, वीडियो में आप बने रहिए शुरू से आखिरी तक। तो दोस्तों आपको उधर दिखा दिए, अब चलते हैं आपको दिखाने ओवर ब्रिज के नीचे एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है, तो आपको चलकर वही दिखाते हैं और समझाते हैं, काफी अच्छा बनाया गया है। ये दोस्तों हमारी अयोध्या नगरी कितनी सुंदर है आपको दिखा रहे हैं, ये पेंटिंग कितनी अच्छी बनाई गई है। और आपको अंदर में ले चलकर दिखाते हैं, ये देखो डस्टबिन कितना अच्छा बनाया गया है, पहली बार ऐसे डस्टबिन देखने को मिला। और पूरे भारत वर्ल्ड में लगता है हमारी अयोध्या नगरी कितनी सुंदर नगरी कोई नहीं होगी। और ये देखो हिरण कैसे बनाया गया है, कितना अच्छा हिरण बनाया गया है, पूरा लोहे का बनाया गया है लोहे। और ये मोर को देखो कितना अच्छा बनाया गया है, एकदम असली मोर लग रहा है देखने में, जैसा कि किताब में पहले देखते थे ऐसे ऐसे दृश्य अब रियल में देखने को मिल रहा है। इधर देख लीजिए शंख भी बनाया गया है। आप भी जल्दी अयोध्या नगरी आइए और ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा अयोध्या नगरी में। अभी अयोध्या नगरी बदल रही है, पूरा निर्माण कार्य इसका शुरू है और पूरा बनकर तैयार हो जाएगी, तो सोचो कितना अच्छा लगेगी देखने में। और ये सामने से देख लीजिए अभी पूरा तैयार भी नहीं है, तब भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। जब पूरी अयोध्या नगरी बदल जाएगी तो आपको कैसे लगेगी देखने में। और ये देख लीजिए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाने वाला मार्ग है, सामने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन दिख रहा है। तो दोस्तों फ्लाई ओवर के इस पार आ चुका हूँ, अब चलते हैं आपको इधर दिखा देते हैं गार्डन बनाया गया है। नानी के यहाँ जाते हैं तो ऐसे ही देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है, पुरानी बातें याद आ जाती है देखने के बाद। ये दोस्तों यहाँ पे आराम भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, हवा भी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंड भी लग रहा है, गर्मी के मौसम में यहाँ पर आकर आराम कर सकते हैं। अयोध्या नगरी में आइए तो यहाँ पर आइए ज़रूर, काफ़ी अच्छा बनाया गया है फ्लाई ओवर के नीचे ये गार्डन, देख लीजिए सब झूल रहे हैं यहाँ पर, आराम भी कर रहे हैं। ये आप सबके लिए इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग हमारी अयोध्या नगरी देखें और कितनी सुंदर है आपको पता चले, और आप अयोध्या नगरी आए तो यहाँ पर आइए घूमने टहलने, इसीलिए आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो के जरिए आप सबको पूरा अयोध्या घुमाते हैं और दिखाते हैं। बस दोस्तों आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें,
और आप सबसे कुछ नहीं चाहिए, और कमेंट कर दिया करें वीडियो देखने के बाद आप कहां से देख रहे हैं वीडियो। और जैसा कि आपको पूरा दिखाई रहे हैं, एक बार पूरा आपको अच्छे से दिखा देते हैं, देख लीजिए। इसलिए आपको पूरा दिखा दिखा कर आपसे बात किए। दोस्तों यहाँ पे दादा जी बैठे हैं, चलते हैं उनसे पूछते हैं यहाँ पर उनको कैसा लग रहा है। तो दादा जी यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं पड़ोस के बस्ती जनपद का निवासी हूँ। बहुत काफ़ी वर्षों से बचपन से ही अयोध्या तो बगल में होने की वजह से आना जाना रहता ही है, बराबर हम लोग अयोध्या आते भी रहते हैं। तो पहले जैसे प्राचीन काल से इसी नगरी का आध्यात्मिक महत्व तो किसी से छिपा नहीं है, परंतु बहुत ही मतलब विकास की दृष्टि से देखा जाए तो एकदम से पिछड़ा हुआ लगता था। ऐसे लगता 2019 के पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में इतना अंतर आ चुका है। और प्रभु श्री राम के मंदिर के जब उसमें मंदिर में भगवान का पदार्पण हुआ भव्य उद्घाटन समारोह के बाद तो अयोध्या जैसे लग रही है और पूरी की शोभा कुछ बढ़ी नहीं जा रही है। तो पहले तो हम लोग आते थे 2019 नवंबर में मंदिर का फैसला आने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के पहले की बात है कि मैं यहाँ एक किसी कार्य से आया था दाह संस्कार में किसी के गांव के, तो मैंने देखा और मेरी मतलब आंखों से आंसू टपकने लगे कि आज भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में बन चुकी है और अभी तक वही हाल है। लेकिन उसी के बाद प्रभु की कृपा से कालचक्र का ऐसा परिवर्तन हुआ कि नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और उसके बाद यहाँ की छठा तो हर जगह देखते बनती है। अब तो हर जगह रघुराई विराजमान लगते हैं, संपूर्ण अयोध्या राघवमय लग रही है और संपूर्ण अयोध्या का विकास देख करके एकदम हृदय गदगद है। और तो अब ज़्यादा कुछ नहीं क्या कहें, भाव विभोर हो गया अयोध्या की शोभा देख करके, और दिनों दिन शोभा में निरंतर वृद्धि हो रही है। राघवेंद्र सरकार की जय हो। इसी में सीधी शब्दों के साथ तो जैसा कि दादाजी से पूछे, दादाजी को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पहले अयोध्या कैसी थी और अब अयोध्या कैसी हो गई दादाजी जैसा कि पूरा बताए। तो अब चलते हैं आपको उस साइड दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गौ माता की मूर्ति बनाई गई है, एकदम रियल लग रही है देखने में। और आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं, ये सामने से देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम रियल लग रहा है। और आपको बगल से दिखाते हैं, ये देख लीजिए, आपको बगल से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जाली लगाई गई है, हमको नहीं पता है किस लिए लगाई गई है, पर अब आने वाले समय में देखते हैं किस लिए लगाई गई है। और ऐसा ही इधर बनाया गया है जैसा कि आपको पूरा दिखाते हुए आए। इधर कुछ काम चल रहा है, नहीं तो आपको अंदर में हल्का दिखाते। तो पूरा फ्लाईओवर के नीचे ऐसे ही बनाया गया है। तो दोस्तों आपको गुरु आशीष चौराहा से लेकर और पूरा आपको दिखाए फ्लाईओवर के नीचे कितना अच्छा और कितना सुंदर गार्डन बनाया गया है। आप भी अयोध्या नगरी कभी आइए तो घूमिए, और दादाजी से भी बात कराएं। आपको दादाजी जैसे कहें अयोध्या नगरी पहले कैसे थी और अब कैसी हो गई, तो आपको दादाजी जैसा कि बताए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।